अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आया हूँ एक डेजर्ट एरिया में और यहाँ पर मिला है मुझे एक कच्चा घर। ये घर तकरीबन 20-25 साल पुराना घर है। जदीद दौर आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब तो पक्के मकानात बनाकर लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन आप देखें इस बस्ती में ज़्यादातर घर आपको कच्चे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा भाजी, ये बताएं कि आप डेली इसी केतली में ही चाय बना के पीते हैं या हमें दिखाने के लिए आज ये किया है? नहीं, ठीक नहीं है।
गांव की खवातीन का पहला काम सुबह उठते ही दही जो जाग लगाई होती है उसे देसी मक्खन और लस्सी बनाना होता है। तो अभी काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास मक्खन भी बन चुका है और लस्सी भी। लस्सी नाश्ते के लिए इस्तेमाल की जाएगी और देसी मक्खन पराठे बनाने के लिए और कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, जदीद दौर आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अब तो पक्के मकान बनाकर लोग रहना पसंद करते हैं। लेकिन आप देखें, इस बस्ती में ज़्यादातर घर आपको कच्चे ही देखने को मिलेंगे। इन लोगों का रहन सहन बिल्कुल सादा तर्ज का है, छोटी छोटी दीवारें हैं, कोई रुकावटें नहीं हैं। यहाँ के लोग जो हैं आपस में प्यार इखलाक और मोहब्बत से रहते हैं।
फ्रेंड्स ये होता है गांव का देसी नाश्ता, देसी मक्खन से बनाए गए पराठे, घर की पालतू मुर्गियों से बनाई गई आमलेट और उसके साथ देसी मक्खन और लस्सी। आप लोगों ने नाश्ता करना है तो आप भी इस तरह का घर बना के इंजॉय करें। हम करने लगे हैं नाश्ता और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आपने शायद ही इस तरह की केतली और इस तरह का चाय बनाने का सेटअप लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हूँ, क्योंकि अब रिवाज इसका ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर चाय वगैरह जो है वो हांडी में बनाई जाती है, तो पुराने ज़माने में चाय बनाने के लिए इसी केतली का इस्तेमाल किया जाता था और पाकिस्तान के गाँव के इलाकों में अभी तक भी इन केतलियों का रिवाज बाकी है। आज भी इसी केतली में चाय बनाई जाएगी। इस केतली में चाय का क्या टेस्ट होता है और कैसे चाय बनाई जाती है आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा बाजी ये बताएं कि आप डेली इसी केतली में ही चाय बना के पीते हैं या हमें दिखाने के लिए आज ये किया है? क्या ना सर रोज इन्हें च पीने होने चाह चाय ने जड़ा मजा है ना इन्हें चाह पीवण दा तो सर एक दफा पियो और दिसा सर।